नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका SKD ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड की एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट लेकर के आया हूँ। और संतोष जी ने यहाँ पर कुछ बातें रखी हुई हैं, उन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि ये बनी बनाई साजिश है या एक्चुअल में इतना डिले हो रहा है। और आज टीचर्स डे है, तो जितने भी मेरे टीचर्स हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ द मेंटोर्स हु सपोर्ट मी, हु हेल्प मी इन माय लाइफ। और आज बहुत खूबसूरत दिन है, और सबसे बड़े टीचर तो माँ बाप होते हैं, वो ही सारी चीज़ें सिखाते हैं बचपन से अपने बच्चों को, राइट। और फिर उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारे मेंटोर्स होते हैं, फिर उसके बाद हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, फिर हम अगर अपनी सेल्फ़ एजुकेशन लेते हैं तो वहाँ पे भी हमारे मेंटोर्स होते हैं। तो सारे मेंटोर्स को हैप्पी टीचर्स डे। नमस्कार मेरे FM के सभी क्रांतिकारी भाइयों, मैं हूँ आपका भाई राजेश कुमार हिंसार हरियाणा से। FM के सभी क्रांतिकारी भाइयों, हमारे भाई राधेश्याम जी की आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में डेट थी, जिस पर कंटिन्यू एक महीने से हीरिंग चल रही थी। आज हीरिंग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जज साहब ने 24 तारीख के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 तारीख को फाइनल डिसीजन हमारा आ जाएगा, तब तक शांति व धैर्य बनाए रखें। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, हाँ संतोष जी नमस्कार। नमस्ते सर, बोलो जी कैसे हैं? बस आप क्या कहें साहब, आपका तो सब कुछ सुन ही रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि ग्रुप में अच्छा खासा अभी जिस तरीके से आप पकड़ बनाए हुए हैं और जिस तरीके से अपना पहचान बना करके और हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वाकई में काबिले तारीफ है। अभी आप अशोक बिश्नोई के साथ वाला जो यूट्यूब पर डला हुआ है उसको मैं सुन रहा था। कल मेरे पास धमकी आया था, वो तो सुनील आर्या का तो बहुत सारी धमकी पहले आ रखी है, वो रिकॉर्डिंग तो बहुत पहले वीडियो डली हुई है लग रहा है भाई। अच्छा, उसके बाद विकास यादव की धमकी पहले आई थी, वो भी धमकी का ऑडियो वीडियो बहुत डले थे पहले भी। लेकिन क्या है, अच्छा कि अभी थोड़ा सा आपको भी पता है मेरे दुख दर्द का सब बारे में, आपको जी, पता जी, है ना जी, जी मुझे एक एक आप पता है साहब, आप उस समय मिले हैं उस दिन से आज क्या जानकारी नहीं है, सब कुछ जानकारी है। लेकिन आपके हम तो ऐसा आप, इंजीनियरों का बहन तो मोहरा बन गए। देखिए आपको मैंने फोन नहीं किया, आपने स्वयं मुझे फोन किया है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और आप इस बात के गवाह हैं। और मैं कभी आपको मैं कभी 6 महीना से या 1 साल से कभी ढूंढा नहीं आपको मैंने, या मैंने फोन करके भी आपको ये नहीं पूछा कि सर आप कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पूछा ना आपको मैंने। बीच में हम लोग काफी दिन से कम्युनिकेशन नहीं बन पाया। और आपके सामने की बात है कि जगदीश जोशी, हाँ वो जो करोलबाग में जो 1.5 लाख रुपया उसको गया बहन, जो ऐसे समझ रहा था कि पता नहीं चला 2-4-5 रुपया खोया है। हाँ सुनिए सुनिए, वो आपके सामने की बात है, आप प्रूफ हो। और आपके जी, सामने जी। की बात है कि गुड़गांव के होटल चाणक्य होटल में मेरे को बुला के, और उस टाइम मेरी लड़की एडमिट थी, और मेरे को हाँ महिपालपुर में मेरे को 5 मिनट में मेरे को ऐसा चूतिया बना दिया, मेरी आंखों में धूल झोंक दिया। ये आपके सामने की बात है, आप एकदम उस होटल के कमरे, हाँ उस होटल के कमरे में साथ में थे मलिक, हम आप और एक हमारे साथ एक मनोज नाम का लीडर था, हम लोग साथ में थे। आपके सामने की बात है कि उसने मेरे को, और ऐसे वो 1.5 लाख और 1 लाख रुपए का बेवकूफी बना करके मेरे को चूतिया बना रहा है, जबकि वो ये कह रहा है कि जैसे 5 रुपए का सिक्का जेब से गिर जाता हो ऐसे ढूंढ रहा था। वो सीन प्रकार का कुछ परवाह ही नहीं, जरा सा भी फीलिंग नहीं आया सिक्का नाम का, जरा सा भी चेहरे पे अफसोस नहीं आया कि भाई हमारे साथ ये क्या हो गया। ये सीन देख करके गुरुजी उसी दिन मैं पागल हो गया, और उसी के ठीक 8 दिन के बाद ही मेरी लड़की मर गई थी, समाप्त हो गई थी। ठीक है सिर्फ, और वो यदि मेरे को होटल में जगदीश जोशी नहीं बुलाता तो मैं नहीं आता मिलने के लिए, नहीं आता सही। अरे भैया इसने ये सरकार के नाम पर ना, इतना ये चार ताज आदमी है, इतनी छुट्टियां बनाया है लोगों को,
कि क्या कहें, हम लोग तो समझे थे कि शायद लगता है यार कि आज एक अच्छे जगह पे पहुंचे हैं, एक मीडिया प्रभारी आदमी है भाई, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसके माध्यम से रहेंगे तो शायद हम लोगों का कल्याण हो जाएगा, और ये तो सारा उल्टा ही कल्याण कर दिया। हाँ, और अब आपको मैं बता देता हूँ एक अच्छी सी बात और, कि बीच में फिर 6 महीना संगठन के चक्कर में मैं लगा रहा, संगठन में मैंने इतने जोर लगाया, इतने मैंने आवाज लगाई है और इतने लोगों को मैंने जगाया है दिलों से, हैं, मैंने अपने बच्चे, अपने बीबी, अपने घर बार को भी मैं भूल गया 6 महीने के समय में, कि मेरा घर भी है और मेरे बच्चे भी हैं। लॉकडाउन के समय में मेरे को बहुत सारे भाइयों ने मदद भी पहुंचाई, 5-7 हजार रुपए की, किसी को बना 200, किसी को बना 500, तो लोगों ने मदद भी पहुंचा करके मेरे को लोगों ने मदद करी, लेकिन भाई सब अपनी अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में है, कोई मैनेजमेंट से मिल जी, टोटल के टोटल सब के सब मलिक जानते हैं, हमारे जूनियर के साथ मारपीट हो गया नजफगढ़ के अंदर, एक वो गांव है क्या बोलते हैं हिरन कूदना, हाँ वहाँ एक लीडर के साथ मारपीट हो गया, लास्ट में मुझे जाना पड़ गया और मैं गया और हमारे साथ भी हो गई हाथापाई, मैंने उनको समझाने का ही प्रयास किया लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं। अब हुआ क्या कि जो मेरा सीनियर था, जो ये कंपनी खोल रखा है दीपक पटेल और बबलू नाम करके अभी खोला है रेलवे रिसर्च लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, आपका निर्दोष उधर खोल रखा है सेक्टर 65 में गुड़गांव में, है ना, और इन लोगों ने पहले इधर खोल लिया और इनका कहना यही था कि यार उधर का जो हुआ हुआ है उसका मेकअप हम लोग उसका मैनेज यहाँ कर देंगे, बेहतर तो वहाँ कुआं में गिरा के दूसरा यहाँ गिराने के चक्कर में हो, इन लोग को इतना लास्ट में हाथ पैर जोड़ा साहब, साला आज तक साथ नहीं दिया, और समझ गया ना और 4 महीने में, इस लॉकडाउन के 4 महीने में मेरे नाम से तकरीबन भाई साहब 200 वीडियो डली होंगे यूट्यूब पे मेरे जी, मेरे ऑडियो, मेरी वीडियो 200 लोगों ने वीडियो डाले, लेकिन उसका क्या फर्क पड़ गया, लोगों ने मेरी आवाज को और मेरे ही बातों को बेच करके और मेरी बाप की निंदा करके और मेरी लड़की को निंदा करके और मेरे परिवार की बात को निंदा करके और लोग अपनी अपनी रोटियां सेक लिए, बहन चोद कुत्तों को साले को शर्म नहीं लग रहा है। नहीं अभी अशोक विस्मय के साथ में जो आपकी बातचीत हुआ, इसने कहा कि इस महीने में ये आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए संतोष भाई, मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से लगे हुए हैं उसी तरीके से लगे रहिए, लाइट में आप आ चुके हैं, पैसा आपका कहीं नहीं जाना, अब तो इनको अपनी इज्जत बचाने के खातिर देना ही देना पड़ेगा। मैंने तो कल आगे की कोई धमकी दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अरे साला हम सब कुछ गंवा दिए, मरता क्या ना करता, तू करके तो देख। वो तो इतना बड़ा शुभ चिंतक था तो ये क्यों नहीं कहा कि हाँ जी एक संतोष नाम का व्यक्ति है, इतना परेशान हो रहा है, इसका पैसा दे करके और भाई इसको शांत करते हैं। वो तो सर देखो, कल उसने व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात करी है लेकिन व्हाट्सएप कॉलिंग पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो तो मैंने फिर दोबारा से फोन को काट के और मैंने फोन किया तब जाकर के ये 2-4-5 मिनट की बात रिकॉर्ड हुई, और ठीक उसी तरीके से राजेश हिसार वाले भाई का भी फोन आया, उन्होंने भी व्हाट्सएप कॉलिंग ही बात करी थी, लेकिन फिर मैंने उनके फोन को काट के मैंने नॉर्मल फोन किया तो उनके बात को भी मैंने कुछ रिकॉर्ड कर पाया, और इस तरीके से सुनील आर्या के भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, विकास यादव के भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, जगदीश जोशी के भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग है, लेकिन खैर रिकॉर्डिंग से कोई मतलब नहीं रखता कि मैं रिकॉर्डिंग रख करके किसी का क्या उखाड़ सकता हूँ। हाँ, उखाड़ उस दिन दूंगा जरूर जिस दिन राधेश्याम बाहर आ जाएगा। सही बात, उखाड़ उस दिन दूंगा, मुझे फिर किसी की जरूरत नहीं है, उखाड़ उस दिन दूंगा जब मेरा बाप मर गया, मेरी जवान 18 साल की बेटी खत्म हो गई। मुझे तो कई बार ये लगता है संतोष भाई कि आपके अंदर इतना टैलेंट खुद करके भरा हुआ है, काश अगर इस तरीके से पकड़ अगर पहले से बनाए हुए होते ना तो शायद समस्या का समाधान हो जाता। तो और मुझे नहीं आप, और अच्छा दूसरी बात कि आपके अंदर मैं कई बार इस बात को भी सोचता हूँ कि यार इतना अच्छा ज्ञान है आपके अंदर, ऐसा आपने कदम कैसे उठा लिया कि LIC जो है उसको तोड़ करके वहां से लोन लेकर के आपने यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा ट्राई कर लेते 20,000 से 50,000 से ट्राई कर लेते साहब, इतना पैसा तो नहीं झोंकने की जरूरत। मैं कहूंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। संतोष ने अपना रियल पैसा जो लगाया था करीबन 1.25 लाख रुपया लगाया, बाकी हम मार्केट से बहुत लगवा दिए, 2 महीने के अंदर अंदर 57 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट करा दिया साहब, आज क्या गुजर रहा है मेरे दिल पे वो तो हम ही जानते हैं भाई। अच्छा देखिए, लीडर को अभी साथ नहीं छोड़ा हूँ साहब, जो जो लोग हमारे साथ लगे हैं, किसी को 10,000 देता हूँ, किसी को 5,000 देता हूँ, किसी को 2,000 देता हूँ, नहीं होता है तो जाकर के सामने खड़ा हो जाता हूँ।
चलो वो तो आप कमा के वापस कर रहे हो, हम तो खाने खाने तक के मोहताज हैं, हम तो किसी को देने के लायक नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आज 20 साल बिजली में रहते हुए हो गया ना, आज अगर ऐसा काम बेइज्जती वाला अगर पहुंच जाता है तो हमारा इज्जत क्या रह जाएगा, क्या कहेंगे लोग। तो आप लोगों ने तो मार्केट में लोगों का पैसा लगवाया, हमने तो पैसा किसी का लगवाया ही नहीं, हमने तो कोई टीम ही नहीं बनाई थी, हमने तो भाई जी अपना ही पैसा लगाया था। और हम आपको, आपने हमारे से साक्षात मिल रखे हो, आपने हमारी शक्ल और सूरत और शरीर देख रखा है, हम तो भाई जी, हम तो भाई जी 10-12 हजार की नौकरी करने वाला इंसान था। मुझे कुछ इसके बारे में एक मनोज जो जो मेरे साथ गया हुआ था उस दिन, जिस दिन उसका पैसा जो गायब हुआ, हाँ साला उस बेवकूफ आदमी ने क्या किया था कि अपना घरवाली का जेवर बेच दिया था महाराज, जेवर को गिरवी रख करके वो जाकर के पैसा दे दिया था। तब ना हमने उसको बहाना लगाया कि भाई इनकी वाइफ जो है वो पॉइजन खा रही है, फांसी लगाने के लिए कर रही है सर, इनका पैसा वापस करो। उस आज जगदीश जोशी ने 2000 1000 2000 4000 कर कर को ऐसा पैसा को नाफ कर दिया था उसने, समझ गया ना। आज भी जगदीश जोशी से मुझे 20000 रुपए लेना है, फोन उठाता नहीं है बंदा। चलिए ठीक है साहब, अब हम क्या कर सकते हैं। चूतन था, निर्दोष था ना, और ये आपको सुभाष है, कौशिक था, सुभाष था, संजय कौशिक है, साला जा करके हम लोग इंदौर में, बहन इंदौर में गया, इतना बरगलाने का काम किया, महिपालपुर में चला, 10 बार मीटिंग हुई और 10 बार भी गए, लेकिन ये लोग हमेशा फंसाने का ही प्रयास किया। अब अच्छा, बताओ एक और था, अब आप इतनी साक्षात सारी बात बता रहे हैं, हम मैंने आपको जी, फोन जी, नहीं जी, किया, आप खुद आपने कहीं से भी सोशल मीडिया से सुना तो आपने मुझे फोन किया है। आज ये बहन दार लीडर, आज भी इसको एक पैसे का परवाह नहीं है कि ये हमारा भाई हमारे साथ। लेकिन अभी जो मैंने ऊपर आपका अशोक बिश्नोई के साथ में जो बातचीत में सुना, उसमें करना क्या है कि जब राधे श्याम से कोई सुचिंता के साथ अगर आपकी बातचीत होता है तो गाली से खाली बात मत कीजिएगा, तरीके से बात को, अपना पॉइंट को जरूर रखिएगा, समझ गए। बाकी हाँ, ये जो धमकी दे रहे हैं या जो निर्दोष के बारे में आपने कहा कि निर्दोष ने मेरे को लगवाया, तो वैसे लोगों के जो राधे श्याम के नजदीक है या जो अपने आप को ये कहता है कि भाई वो सारा अपडेट दे रहा है, गाली के साथ बात नहीं करना है। लेकिन हाँ ये कहना है कि आज इस कंपनी की वजह से, उन लीडरों की वजह से आज मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, इसकी जवाबदेही कौन देता है, आज मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा, तीन को बेटी बची है, पिताजी चले गए, अभी हमारी बेटी चली गई। अभी तो एक दो ग्रुप में लोग बाग ये वीडियो देख रहे हैं और लोग वहाँ ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये बंदे ऐसे ही हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं और ये खुद मैनेजमेंट से मिल जाते हैं और इनका काम हो जाता है। अभी मैं 20 गाली भेजू, अभी किसी ग्रुप में जहां भी जो बंदे कमेंट कर रहे हैं ना, उनकी माँ बहने करू ना, तुम ये नहीं सोचते हमने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी और तुम ये कह रहे हो कि हम मैनेजमेंट से मिल गए। वो देख रहा हूँ उसने महाक्रांति करके ग्रुप बनाया ना, हाँ ये महाक्रांति का ग्रुप किसने बनाया था, आपने बनाया था? बनाया मैंने नहीं था, ये महाराष्ट्र अच्छा, की ग्रुप अच्छा। है, लेकिन इस ग्रुप में तो हमारे को मेरा नंबर दिया हुआ है। मैंने ऐड कर दिया था आपको, उसमें क्या है अच्छा, कि अच्छा, अच्छा। उधर प्रमोद खैरे साहब है, श्रीराम दत्ता साहब है, और भिवा भाऊ है, और जयेश भाई जी है, और हाँ महाराष्ट्र से अब 20-25 लीडर लोग हैं। अब ऐसा है कि डेट में बीजी पाटिल का बहुत सारा यूट्यूब आया करता था, बीजी पाटिल का तो बिल्कुल गुमनाम हो गया। बीजी पाटिल अपने आप के करने से खो बैठे हैं, उन्होंने 20-30 लोगों के साथ अपना FIR मिलके करा था, और मेन केसकर्ता उनकी बहन जी ही हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा, अच्छा। लीडर उनकी मेन उनकी बहन ही है, लेकिन क्या है, लेकिन केस करने से क्या होता है कि केस करने के बाद वकील पैसा लेगा और तभी आगे केस बढ़ेगा। तो वकील लेगा, हम द्वारका में, यहाँ द्वारका गए थे एक वकील के पास, उसने कहा कि भाई कितने आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गया, मैंने कहा कि 57 लाख, तो बोला 57 लाख का 2% तो आपको कोर्ट में पहले जमा करना पड़ेगा। हाँ तो इसी वजह से बीजी पाटिल भाई का केस नहीं आगे बढ़ रहा है। हाँ तो 57 का 2% वैसे जमा करना पड़ेगा, और भाई जिस सीनियर को उठा करके बंद करेंगे SHO को देने के लिए, कम से कम 2 पेटी आप लोग इंतजाम कर लो। अरे बने के लिए पैसा नहीं है, जो कमाई का जमा पूंजी था वो साला हमने यहाँ लगा दिया विश्वास से, अब 1 लाख 1.25 लाख रुपया मैं कोर्ट में भरूँ, 2 लाख रुपया फिर आपको दूँ, और जब केस डिग्री होगा तब वो कहे कि भाई ऐसे 10% मैं लेता हूँ, लेकिन आप लोग से 8% लूंगा।
ठीक है, ठीक है, मैं तो आपका यही शुक्रगुजार हूँ कि आप कम से कम साल भर के बाद, एक साल बाद आपने मुझे याद किया और आप साक्षात गवाह हैं, और मैंने कभी आपको फोन करके ये नहीं बोला हैं, और आज तक आज तक वो बंदे जिस तरीके से मेरे को जगदीश जोशी ने होटल में चूतिया और बेवकूफ बनाया, मेरे आंखों में धूल झोंका, ये बातें मैं किसको बताऊं? राधे से हम बाहर आता तब मैं बताता ना। जगदीश जोशी कहीं अगर मिल जाए, और मिल जाए है ना, तब उनको पत्रकारिता दिखाऊंगा कि पत्रकारिता होता क्या है और पत्रकार के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा जलसा भी किया है, समझ गए? अच्छा जी, इन्होंने यदि जगदीश जोशी जी ने ये कहा कि सुरेश्वर जी अगर आपका सीनियर का कोई कंपनी खोला है तो आप ये मेरे को बताना, जब मैंने उस आदमी को रिपोर्ट दिया तो उसके साथ जा करके चुपचाप बैठ करके और पता नहीं क्या गांव में गांव सजा लिया, मौसम होल कर लिया, कुछ भेज दिया होगा, क्योंकि उसके पास भी तो पेपर नहीं था, बोला मैं इन लोगों को इतना अंदर कर दूंगा कि कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकलेंगे, आज एक तो इन लोगों को राम सलाम खूब होती है। अब इधर जो है भाई, अब एक दूसरे की बात को हम कुछ नहीं कह सकते भाई जी, सिद्धेश्वर भाई जी अभी ठीक है साहब, लेकिन हैं अभी अशोक बिश्नोई ने बोला ना कि भाई इस महीने तक, इस महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है सर। बाकी दूसरों को कमेंट पे ना, कमेंट पर आप ज्यादा जोर मत दीजिए, आपका माइंड पे जोर पड़ेगा, समझ गया ना, एक तो वैसे ही डिप्रेशन बना हुआ है, समझ गया ना, लेकिन हाँ अशोक विष्णु के साथ या जो कंपनी के जो मेन शुभचिंतक है उसके साथ अगर बातचीत हो तो तरीके से बताइए, और पॉइंट वाली बात कीजिए कि हमारे साथ ऐसी ऐसी सारी बात हो चुकी है और ऐसे धमकी भी मिल चुका है, और आज अगर मेरा समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मैं तो दुनिया से जाऊंगा ही, लेकिन बस वही है कि मरता क्या ना करता, हम भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गए ना। कहाँ अभी ड्यूटी व्यूटी कहाँ हो रही है आपकी? अभी 4 महीना तो घर में बैठे रहे, इसकी स्कूल, एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पे तैनात था तो लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गया, भूखे मरने की कगार पे आ गया। अब पिछले महीने जो है 10 जुलाई से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो जुलाई किया 20 दिन और अब अगस्त किया, अब आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से मैं बिल्कुल सर्दी खांसी बुखार से एकदम बिल्कुल बीमार पड़ा हूँ, और मेरी वजह से मेरे तीनों बेटी भी परेशान है और घरवाली भी सब बीमार पड़ गए। नहीं, इतना जोर मत डालिए, समझ गया ना, कोई बात नहीं, 4-5 लाख रुपए की जिंदगी नहीं है, जो बच्चे हुए हैं उनके लिए जिंदगी जीने की जरूरत है, समझ गया ना, अभी अंधेरा है, उजाला भी आएगा। अरे दिमाग पे बोझ यूं है भाई जी कि 4 बेटियां थी, वो लड़की जो खत्म हो गई वो 12वीं क्लास पास कर गई थी, अब ये जो तीसरी जो दूसरी लड़की है वो भी 12वीं क्लास पास कर गई है, जो उससे छोटी है वो भी 12वीं क्लास इस साल पास कर गई, और जो सबसे छोटी लड़की है वो 11वीं क्लास अभी इस साल 11वीं क्लास में है। अब ये बताओ, ये चारों के चारों बेटियां मेरे बराबर की हो चुकी है, मेरे पास तो साला 10-12 साल मैंने जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पे मैं ड्यूटी किया, मैंने उसके नौकरी रिजाइन करके मैंने पीएफ वगैरह निकाल के सारे पैसे लगा दिए, उसके बाद मैंने बच्चियों के नाम से तारीफ किया था, इन लोगों को चाहिए था साला कंधा से कंधा मिला करके ये कहना कि संतोष भाई 4-5 लाख रुपए लगा हुआ है दोस्त, हम 20,000 देते हैं, हम 10,000 रुपए देते हैं, हम 30,000 रुपए देते हैं, 1-1.5 लाख रुपया में इसको अभी ऐसे चलाने की जरूरत है, भैया जो होगा वो सब सामने हम लोग रहेंगे। मेरा रोया के साथ सर, देखो मेरा बाप भी मर गए और मेरी माँ रोज रोती है, मेरी माँ रोज रोती है और मेरी बीबी भी रोज रो रही है, और हम मेरे जैसे परिवार का रोना कहीं नहीं, क्या कहें मालिक, ऐसी स्थिति में हम भी फंसे पड़े हैं आज के डेट में, जो जो मेरा बेटा जवान हो गया, खैर आपको भगवान ने लड़की दी है, हमारे को लड़का दिया ना, आज दोनों लड़का पढ़ाई छोड़ दिया है और पढ़ाई छोड़ करके दोनों निकल गए बाहर, कि पापा का तो पता नहीं ये बुढ़ापे में क्या नेटवर्किंग सूझ गया, नेटवर्किंग करके चौपट कर दिए। ठीक है सर, बस थोड़ा सा समय आने पर आप ध्यान रखेंगे बस, और इतने से ज्यादा मैं क्या, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा रिलैक्स रहिए अभी, ठीक है ना, इतना ज्यादा मत लोड दीजिए कि आप ही घर के मेन मुखिया हैं और आप ही अगर इतने टेंशन में हो जाएंगे तो फिर सब चौपट हो जाएगा, जो बच रहा है वो भी खराब हो जाएगा। एक दिन का वो सर, आपके आपकी बातों पे मुझे एक छोटा सा बात याद आया कि आज से 1 साल पहले कभी कभी हर हफ्ते में एक बार फोन करके हम ये पूछा करते थे कि सर क्या चल रहा है समाचार, सर क्या चल रहा है समाचार, ऐसे बहुत सारे लीडरों का संपर्क था,
जिनसे हम ये पूछते थे सर क्या चल रहा है राधे श्याम का, और लोग जो बताते थे उस पर विश्वास करके अपनी रोजी रोटी में लगे रहते थे। सही बात है। मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया पे इतने लोग मुझे जान जाएंगे और सोशल मीडिया पे इतने। कोई बात नहीं है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है साहब, लेकिन क्या करें, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अब हिम्मत अगर हार जाएंगे ठीक है सर। मैं तो यही कहूंगा कि उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लिए, वो बुजुर्ग माता के लिए, कम से कम आप सही रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, जैसे भी हमारा भी रिपोर्ट अगर कुछ मिलता है तो जरूर शेयर करेंगे हम। है ठीक है सर, ठीक है, ओके, नमस्ते जी। नमस्ते। तो फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सुनी ली है, किस तरीके से लीडर इतना ज़्यादा परेशान है। संतोष जी की हालत आपने देख ली, वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। घर में तीन बेटियां अभी भी हैं जो एकदम जवान हो चुकी हैं, शादी के लिए रेडी हैं, लेकिन उनके जेब में एक रुपये का भी फंड नहीं है जिससे कि वो शादी करा पाएँ। इतनी बुरी हालत में है फ्यूचर मेकर के लीडर आज। लानत है उस इंसान को जो आज भी राधे श्याम को भगवान कहता है। ऐसे आदमियों को भगवान नहीं कहा जाता है, राइट। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जिसने लोगों के घर में कर दी, जिसने लोगों के घरों में मौतें करवा दी, राइट। मौतें होने का रीज़न क्या था? वही तो था, फिनेंशियल क्राइसिस, जहाँ पे पैसे से बात बनती थी, पैसा नहीं बन पाया। संतोष जी की बेटी बच सकती थी, फादर बच सकते थे, पैसे का प्रॉब्लम हुआ, जितना भी पैसा था LIC में सेव किया हुआ, सारा फ्यूचर मेकर में डाल दिया और वो रोड पर आ गए। तो गाइज़, आप लोगों की क्या राय है कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि लोगों को लीडर के दर्द पता चले और जिन्होंने राधे श्याम की मूरत घर में लगा के रखी हुई है वो मूरत मंदिर से एटलीस्ट निकाल दें। किसी आदमी को भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता, वो भी ऐसे इंसान को तो कभी भी नहीं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।